ध्यान से देखें। ओके, तो आज जो हमारा पार्ट है गाइस सीरीज का, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके, तो जो सीरीज का लेक्चर है हमारा, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ सीरीज। वापस से मैं आप सब लोगों को एक पूरा सम दिखाऊं। आई थिंक लास्ट वीक को जब लेक्चर हुआ था मेरा, तो उस वक्त पे मैंने सब लोगों को एक पूरा क्वेश्चन दिखाया था सॉल्व करके। ठीक है, तो ये वाला भी दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को सॉल्व करके। ये वाला एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से। समेशन एन आर इक्वल्स टू वन आर ब्रैकेट आर माइनस थ्री आर माइनस टू। ठीक है, फाइन। हमें क्या करना है, एकदम धीरे 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 सॉल्व करना है। सबसे पहले गाइस ये ब्रैकेट्स को ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आर को ना, ये आर को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये एक काम करें, या तो ये दो ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये आर को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देखो आर इंटू आर आर स्क्वायर, फिर आर को इनके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस टू आर, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री आर, माइनस माइनस का जगह प्लस और यहाँ पे जगह सिक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से करो, धीरे धीरे केयरफुली करना है गाइस। आर इक्वल्स टू वन, अभी आर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आर क्यू। ओके, वेट वेट वेट, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। माइनस टू माइनस थ्री तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस फाइव आर प्लस सिक्स ऐसा। ठीक है, और अब आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जगह एन समेशन आर इक्वल्स टू वन आर क्यूब माइनस फोर आर स्क्वायर प्लस सिक्स आर, और बॉक्स बना। ठीक है, फाइन। अब भी बहुत ध्यान से करना है, तुम कंसंट्रेट करो। अब क्या करो, ये टर्म लो और हर एक टर्म के साथ शिफ्ट करना शुरू करो उसको, ये टर्म लिखे। ठीक है, और मैंने पहले क्या बोला था, जहां पे नंबर है नंबर को बाहर निकालते जाओ, ये समेशन साइन से, मतलब कुछ ऐसे लिखना। देखो दिस इज समेशन एन, दिस इज आर इक्वल्स टू वन, एकदम ध्यान से देखो, दिस इज आर क्यूब माइनस, ये फाइव को निकालो बाहर, समेशन एन दिस इज आर इक्वल्स टू वन एंड दिस इज आर स्क्वायर ऐसा। ठीक है, प्लस सिक्स समेशन एन दिस इज आर इक्वल्स टू वन एंड दिस इज आर। ठीक है, अब एकदम ध्यान से गाइस, आर क्यूब चेक करो, अगर तुम पेजेस टर्न करो गाइस तो तुम्हें पता चलेगा आर क्यूब का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर। चेक करो, चेक करेंगे तो पता चलेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा राइट, माइनस फाइव, एकदम ध्यान से, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर फॉर्मूला चेक करेंगे तो क्या है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन कितना आ जाएगा, सिक्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन प्लस आर का फॉर्मूला सिक्स एन एन प्लस वन अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा, टू। ठीक है, नाउ गाइस अब क्या करना है तो बताता हूं, एकदम ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात, अच्छे सुनना गाइस, जरा चेक करो, ऊपर चेक करो अच्छे से, कॉमन क्या है, ऊपर पहले चेक करना है कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर चेक करना है एन एन और एन, सबको एन है राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एन एज अ कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे एन स्क्वायर तो इसका एक एन बाहर आ जाएगा, इसका भी एक एन बाहर आ जाएगा, इसका भी एक एन बाहर आ जाएगा राइट। अब ब्रैकेट भी चेक कर, देखो यहाँ पे एन प्लस वन है, इधर भी है इधर भी है, तो क्यों ना निकाल ले बाहर गाइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन प्लस वन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ऊपर से एन निकल गया, एन प्लस वन भी निकल गया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा नीचे से अगर चेक करेंगे, फोर है ये सिक्स है और ये टू है, ये तीनों भी नंबर टू के टेबल में आते हैं, तो मतलब यहाँ पे टू भी तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करना है तुम्हें। ठीक है,
सो अब लगाना है यहाँ पे बॉक्स, यहां से एन बाहर आ गया तो एक एन बचा है, यहां से एन प्लस वन बाहर आ गया तो एक ब्रैकेट बचा है एन प्लस वन, ठीक है। नीचे क्या है, फोर है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या हमारे पास टू है, सो टू के डबल में हम जा फोर जा, टू टू जा फोर होता है राइट, तो नीचे आ जाएगा ऐसे टू, ठीक है। देन अब यहां पे देखो माइनस क्या बचा है, फाइव बचा है, एन निकल गया बाहर, एन प्लस वन भी निकल गया बाहर, क्या बचा है, टू एन प्लस वन बचा है, ठीक है। नीचे क्या है, टू है ना, सो टू के डेल में हाउ मच आर सिक्स, आर थ्री आर टू थ्री आर सिक्स, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां से भी एन बाहर आ गया, एन प्लस वन बाहर आ गया तो क्या बचा है, सिक्स बचा है, ठीक है। और हमने कॉमन क्या निकाला, टू निकाला, टू हमज आर टू इज वन आर, तो नीचे वन लिखो या ना लिखो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्या सब लोगों को यहां तक समझ में आया है, देन आई विल गो अहेड। हां सर, लास्ट स्टेप एक बार वापस बताओ ना, कौन सा रहा, ये वाला, हां लास्ट स्टेप सर, ये वाली, उसके पहले, उसकी पहले केस है ये वाली, हां ये वही सर, हां तो नहीं सर, लास्ट लास्ट ये वाली, एक मिनट एक मिनट, तो मुझे ये पूरी, हां सर वो पूरी, ये पूरी स्टेप क्या, देखो यहां पे n स्क्वायर है, यहां पे अभी यहाँ पे n square है, common देखना है, common check करो, common same same क्या है सब में, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, सब में से n बाहर निकालो, यहाँ से n plus one है, इधर भी n plus one है, इधर भी n plus one, तो n plus one common निकालो, four six और two कौन से डबल में आते हैं, two के डबल में आते हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे two डाल दो, तो यहाँ से n बाहर निकालो, यहाँ से n plus one डाल दो, ठीक है। देखो यहाँ से एक n बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना n बचा है, दो है ना, तो एक n अंदर रह गया, यहाँ पे n प्लस वन दो है तो एक बाहर आ गया तो एक बच गया, ठीक है ना। थिंग इज व्हाट, यहाँ पे फोर है ना, तो हमज आर टू जाइज, हमज आर फोर जाइज इन टेबल ऑफ टू, टू टू जा फोर होता है ना, अब समझाइए, यहाँ से n बाहर आ गया, यहाँ से n प्लस वन बाहर आ गया, ठीक है, तो ये भी बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा, ये बचा है और फाइव बचा है, ठीक है। टू के डबल में सिक्स आई समझ, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एन बाहर आ गया, एन प्लस वन बाहर आ गया, तो क्या बचा, यहाँ पे सिक्स बचा है, ठीक है। टू के डबल में हम जा टू इज टू वन जा टू, अब समझा है, ओके चलो गाइस, अभी क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, हमें अंदर ही अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो गाइस, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, क्यों ना गाइस इन सबके एलसीएम सेम कर दें, मतलब सबके डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर देंगे तो फटाफट, मतलब रादर देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग सो मच, अगर एलसीएम सेम कर देंगे सबका फटाफट हो जाएगा। तो सबको एलसीएम सेम करने आता है, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, आई थिंक सबने सीखा होगा लोअर क्लास में, ये टू है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू वन जा टू, यहाँ पे थ्री, ठीक है, यहाँ पे वन डालेंगे थ्री वन जा थ्री, यहाँ पे नंबर कितना आया है, टू थ्री जा कितना आता है, सिक्स आता है राइट, सो सबके डिनोमिनेटर पे सिक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे टू के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे सिक्स मिलेगा, थ्री मल्टीप्लाई करूंगा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये एन एन प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा टू ब्रैकेट, मुझे सिक्स से नहीं, सबके जगह पे सिक्स है राइट, तो मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, बट ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब देखो सर थ्री एन और यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन, नीचे भी थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो अपने आप सिक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे सिक्स लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर, ठीक है। सो टू ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो टू फाइव कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, दिस इज टू एन प्लस वन, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको तो सिक्स ही चाहिए नीचे, तो ऊपर सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे थर्टी सिक्स और यहाँ पे जगह सिक्स, सबको समझाइए गाइस, यस सर, ओके देखो एन प्लस वन अपॉन टू, अब बहुत केयरफुली करना है, सबका सेम आगे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करो, इनके ब्रैकेट भी ओपन कर लो एक बार, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते, देखो थ्री एन स्क्वायर, मतलब ये इसके साथ फिर ये इसके साथ प्लस थ्री एन, ठीक है, तो टेन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ट्वेंटी एन, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस टेन,
प्लस यहाँ पर जाकर 36 ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा सा, बाकी के ज्यादा कुछ नहीं है इसमें अभी, ठीक है। इधर यूज करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ जगह। ओके यहाँ पे आ जाएगा एन, नीचे देता हूँ एन, एन प्लस वन अपॉन टू बॉक्स बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ठीक है। देखो ये n का टर्म है, ये भी n का टर्म है, सो प्लस 3n माइनस 20n कितना आ जाएगा, माइनस 70n आ जाएगा, 17n आ जाएगा, ठीक है। माइनस 10 प्लस 36 मतलब हो जाएगा प्लस 26, ठीक है, फाइन। नीचे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 6 बचा है, बॉक्स बनाओ, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, 2 6 12 और ये कंबाइन कर लो, या तो ऐसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझाया गाइस कैसे करना है ये, हैव यू गॉट दिस गाइस? यस सर। हां सर। ओके गाइस, तो ये सबसे पहले फटाफट से कॉपी करो, तुम्हारे बुक में कॉपी करो, फिर अब मैं सब लोगों को एक सम खुद सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस चेक करेंगे तुमने सही किया है तुमने गलत किया, हमें समझेगा, ओके। चलो गाइस लिख लो इसको फटाफट से, कॉपी डाउन कर लो। ठीक है, सो लेट्स चेक योर आंसर्स, ठीक है। ओके सो दिस इज एन, अब क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस देखो अंदर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, तो उसको डायरेक्टली उठा के अंदर शिफ्ट कर दो, सो दिस इज वेरी इजी। तो 5 को लगे तो बाहर लेके जाओ, समेशन n, दिस इज r इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज r स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। समेशन दिस इज n r इक्वल्स टू 1 और यहां पे r आ जाएगा माइनस, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये समझना बहुत जरूरी तुम लोग, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, लिसन टू वेरी केयरफुली। यहाँ पे कोई आर का टर्म नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 के टर्म को लेना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ना देखो अच्छे से, आर स्क्वायर की जगह पे तो ठीक है, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा एन, एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस दिस इज 4, यहाँ पे आ जाएगा एन, n प्लस 1 अपॉन कितना आता है गाइस, किसको याद है फॉर्मूला क्या आता है, 2 आता है, राइट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को बाहर निकाल लो, समेशन n r इक्वल, अरे यहां पे तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, मतलब वहां पे 1 रहता है, ठीक है। अब प्लीज फिलहाल के लिए कट मत करना, कीप इट एज इट इज, हम देखें क्या करना है इसका। 5n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बिल्कुल मत कट करना गाइस, कीप इट एज इट इज, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, ओके। ये जो 1 है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट जब लेक्चर हुआ था तो मैंने बताया था समेशन ऑफ 1 मतलब n होता है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाता है 3n, ओके। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है हमारे पास। अब मैं ये सोच रहा हूँ गाइस कॉमन निकालने की बात आएगी, लेकिन उसके पहले क्यों ना डिनोमिनेटर इनके सेम कर दे, तो वो इजी पड़ेगा। यहाँ पे 6 है ना, इसको भी 6 लेके आते हैं, इधर भी 6 लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन वर्क जितना सिंपलीफाई कर सकूंगा उतना तुम्हें डेफिनेटली करना है, और तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेड भी है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4। अब देखो 6 लाना है यहाँ पे नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 3 से, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, ये n और ये n प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। इधर भी नीचे भी 6 लाना है, राइट, हमें तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से ही करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे 1 ही है मेरे पास, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, मतलब ऊपर आ जाएगा 18n और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। अब करो 6 लो कॉमन, 5n निकालो, n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 12n n प्लस 1 18 है, ठीक है।
अब जरा चेक करेंगे तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर सिर्फ n ही कॉमन है, सिर्फ n ही कॉमन है, तो n बाहर निकालें, यहाँ पर 6 निकालें, बॉक्स बना है 5, दिस इज 2n प्लस 1, ठीक है, यहाँ से भी n आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12, n प्लस 1 माइनस 18, नीचे से कॉमन 6 निकाल लिया, ऊपर सब में से n n n निकल गया, देखो इसका n निकल गया, तो क्या बचा, 5 बचा, ये ब्रैकेट बचा, यहाँ से n निकल गया मतलब 12 बचा, ये ब्रैकेट बचा, यहाँ से n निकल गया मतलब यहाँ पे 18 बचा, ठीक है। अब देखो दिस इज n अपॉन 6, बॉक्स बना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 5n प्लस 5n जा 5, इसको डालेंगे 2n प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट 12 को मल्टीप्लाई करो, 12n प्लस 12 माइनस 18 ऐसा, ठीक है, बहुत केयरफुली गाइस, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। अब ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, देखो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10n स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ 5n इंटू 1 प्लस दिस इज 5n, अगेन 5 टू जा 10, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 10n प्लस 5n जा 5n प्लस ये 12 आ जाएगा, 12 माइनस 18 मतलब कितना आ जाएगा माइनस 6, ठीक है, दिस इज n बाय 6, बॉक्स 10n स्क्वायर प्लस, देखो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 12 27n, 5 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, ओके गाइस, तो ऐसा तुम्हारा आंसर आना चाहिए। देख लो जिस किसी का आंसर नहीं आया होगा तो प्लीज गाइस देख लो फटाफट, चेंजेस कर लो उसको। सर मेरा ना अपॉन 6 ब्रैकेट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रॉब्लम है ना, नहीं नहीं इधर हाँ। किसी ने अगर इधर किसी ने अपॉन 6 लिखा होगा ना फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके okay.